दोस्तों आपके सामने जो दिखाई दे रहा है आधार कार्ड नंबर डज नॉट हैव मोबाइल नंबर। दोस्तों ये जो नंबर में आपको दिखाई दे रहा है वो आधार कार्ड का नंबर जो है, उस आधार कार्ड में ऑलरेडी मोबाइल नंबर रजिस्टर है, फिर भी सिस्टम ये बता रहा है कि आधार नंबर डज नॉट हैव मोबाइल नंबर, यानी कि आधार कार्ड के अंदर मोबाइल नंबर लिंक नहीं है। तो दोस्तों ये गलत क्यों बता रहा है, क्या प्रॉब्लम है, सॉफ्टवेयर में प्रॉब्लम है, आधार कार्ड में प्रॉब्लम है, मतलब क्या प्रोसेस है इसका कि इसको यहाँ पे आपको मोबाइल नंबर शो करे। तो दोस्तों अभी मैं यहाँ पे पूछ करके यही आधार नंबर से आपको मैं बताऊंगा कि इसमें आधार नंबर लिंक है, सॉरी आप मोबाइल नंबर लिंक है, वो यहाँ मैं पूछ करके आपको बता दू। तो दोस्तों आप देख सकते हैं यहाँ पे आधार नंबर है और यहाँ पे आपको मोबाइल नंबर शो कर रहा है, फिर भी सिस्टम बता रहा है कि आपका मोबाइल नंबर यहाँ पे लिंक नहीं है। तो इसको कैसे सॉल्यूशन करें, इसके रिलेटेड आज के टॉपिक में बात करेंगे। तो वीडियो पूरा देखिएगा, इसके रिलेटेड कोई भी कंफ्यूजन है आप बेफिकर कमेंट कर सकते हैं, पॉसिबल होगा उतना फास्ट रिप्लाई देने की कोशिश करूंगा। चलिए आज का टॉपिक शुरू करते हैं, माय नॉलेज शेयर में आप सभी का स्वागत। तो दोस्तों अगर आपको भी ये प्रॉब्लम आ रहा है तो आपको ऑफिशियल यूआईडी की ऑफिशियल वेबसाइट पे आ जाना है, यहाँ पे माय आधार पे चले जाना है, यहाँ वेरीफाई ईमेल और मोबाइल नंबर पे आपको क्लिक कर देना है। जैसे वहाँ पे आप क्लिक करेंगे आपके पास मोबाइल नंबर और आधार नंबर और कैप्चा, उसके बाद आपको सेंड ओटीपी पे क्लिक करना है। अगर यहाँ पे आपका मोबाइल नंबर रजिस्टर्ड होगा तो आपको यहाँ पे बता दिया जाएगा। तो यहाँ पे मैंने आधार नंबर डाल दिया है, मोबाइल नंबर, अभी सेंड ओटीपी पे क्लिक करेंगे। जैसे सेंड ओटीपी पे क्लिक करेंगे आप देख सकते हैं द मोबाइल नंबर यू हैव एंटर इज ऑलरेडी वेरीफाई अवर रिकॉर्ड। उसके बाद यहाँ पे आपको मेन डैशबोर्ड पे चले जाना है, उसके बाद यहाँ आप लॉग इन कर सकते हैं, अदरवाइज यहाँ आप आधार डाउनलोड भी कर सकते हैं। तो अभी हम आधार डाउनलोड करके देखेंगे, यहाँ पे हमारा आधार नंबर, कैप्चा और सेंड ओटीपी पे क्लिक करेंगे। दोस्तों यहाँ पे हमने आधार नंबर डाल दिया, अभी कैप्चा भी डाल दिया, सेंड ओटीपी पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे आ जाएगा आधार नंबर डज नॉट हैव वेरीफाई मोबाइल नंबर, यानी कि यहाँ पे आपको आधार वेरीफाई भी करना होगा। यहाँ पे एक ऑप्शन आएगा आपको डैशबोर्ड के अंदर आधार वेरीफाई का, ये मेन जो ऑफिशियल वेबसाइट है वहाँ पे आप जाएंगे, वहाँ पे आपको यहाँ पे वेरीफाई एंड आधार नंबर आएगा, तो वहाँ भी आपको ये नंबर डाल देना है, आधार नंबर, उसके बाद कैप्चा और यहाँ पे प्रोसेस एंड वेरीफाई आधार पे क्लिक कर देना है। तो अभी हम यहाँ पे डेटा डाल देते हैं, डेटा डालने के बाद यहाँ पे आपको दिखाई दे रहा है प्रोसीड एंड वेरीफाई आधार, उस पर क्लिक कर देना है। यहाँ पे इनवैलिड कैप्चा है तो हम फिर से यहाँ पे कैप्चा डाल देते हैं और यहाँ पे आप देख सकते हैं यहाँ पे मोबाइल नंबर आपको वेरीफाई दिखाई दे रहा है, यहाँ पे मोबाइल नंबर आ गया है, आप देख सकते हैं वही आधार नंबर है और यही यहाँ पे मोबाइल नंबर है। तो उसके बाद आपको यहाँ पे डैशबोर्ड पे चले जाना है और यहाँ पे लॉगिन पे क्लिक कर देना है। लॉगिन पे क्लिक करने के बाद यहाँ आपको आधार नंबर, उसके बाद यहाँ कैप्चा और उसके बाद सेंड ओटीपी करना है। तो यहाँ पे मैं आधार नंबर डाल देता हूँ। तो दोस्तों कुछ देर के बाद यहाँ फिर से आपको वही आधार नंबर डालना है डाउनलोड में जाने के बाद और कैप्चा डालना है, उसके बाद सेंड ओटीपी पे क्लिक करना है। यहाँ पे जो भी ओटीपी आता है वो यहाँ पे आपको डालना है। तो अभी हम यहाँ पे लाइव कर देते हैं, तो यहाँ हम सेंड ओटीपी पे क्लिक करेंगे, यहाँ हमारा मोबाइल नंबर के अंदर एक ओटीपी आ जाएगा। तो यहाँ पे सेंड ओटीपी पे क्लिक करने के बाद यहाँ पे ओटीपी जनरेट सन सक्सेसफुल, यहाँ पे ओटीपी डाल देना, उसके बाद सबमिट कर देना। जैसे आप सबमिट करें भी यहाँ पे डाउनलोड हो जाएगा। तो अभी मैं ओटीपी डाल के यहाँ पे आपको सबमिट करके बता देता हूँ। तो दोस्तों यहाँ पे जो मैंने ये प्रॉब्लम सॉल्व करके आपको बताया है वो कैसे करना है, तो पहले आपको वेरीफाई आधार कर लेना, उसके बाद वेरीफाई मोबाइल नंबर कर लेना है, उसके बाद यहाँ पे चेक स्टेटस कर लेना है, उसके बाद कुछ मिनट या तो एक घंटे के बाद आप ट्राई कर सकते हैं यहाँ पे, तो आपका ये सक्सेसफुली हो जाएगा, डाउनलोड हो जाएगा, यहाँ पे आपने जो भी अपडेट करवाएगा वो हो जाएगा। तो आधार कार्ड की ओर से डाउनलोड के अंदर एक प्रॉब्लम आ रहा था जो कि इस वीडियो में हमने सॉल्व करके बताया है। तो ऐसे वीडियो हम बनाते हैं, प्लीज़ हमारे चैनल माइंड नॉलेज शेयर को सब्सक्राइब करके रखें ताकि कोई भी वीडियो बनाए आपके पास तुरंत नोटिफिकेशन मिलता रहे। चले दूसरे वीडियो में फिर से मिलेंगे, तब तक ले जय हिंद, वंदे मातरम, धन्यवाद।